सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, हिद्वानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने में कल आपको ध्यान होगा कि एक युवक जिसका नाम अनिल है, उसने पत्नी के मायके जाने के पश्चात जब वह लौट कर नहीं आई तो बहुत हंगामा किया था। पहले खुद को घायल कर लिया, उसके पश्चात कोतवाली थाने में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। कोतवाली पुलिस की टीम ने काफ़ी मान मनोबल के बाद उसे नीचे उतारा था। और इस मामले में आपको बता दें, आज एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल अनिल का कहना था कि वह बच्चों और परिवार से बहुत प्यार करता है। पत्नी मायके में राखी के त्यौहार के दौरान गई और फिर लौट कर नहीं आई। उसे ऐसा आभास हुआ, खतरा हुआ कि शायद उसका परिवार उसे नहीं भेजेगा और वह बच्चों और पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, जिसके पश्चात उसने कोतवाली थाने की टीम से मदद मांगी थी। कोतवाली थाने की महिला एएसआई ने भी इनकी खूब मदद की और आखिरकार आज एक परिवार को आपस में मिला दिया और दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ खुशी खुशी घर गए। हाँ, मुस्कुराओ, अब तुम खुश हो भाई, पत्नी आ गई तुम्हारी, तुम अच्छे रखोगे, हैं? बच्चे भी हैं तुम्हारे, बच्चों को बहुत प्यार करते हो तुम। कल बोल भी रहे थे कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी उम्मीद है पत्नी भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी और अब आपकी जो नाराज़गी है एक दूसरे के प्रति वो ख़त्म हो गई होगी, तो फाइनली अब आप खुश हो बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कल आप इतने भावुक क्यों हो गए थे कि पहले आपने ऐसा कर लिया फिर टावर पर चढ़ गए? बच्चों के लिए कर लिया और पत्नी के लिए? अच्छा, दोनों के लिए। पत्नी गोलगप्पे खिलाओगे अब ले जाके? चॉकलेट खिलाओगे? आइसक्रीम खिलाओगे? डोसा भी खिलाएंगे? क्यों डोसा, चाउमीन? चलो ऐसे ही खुश रहो भाई, चलो ओके। जी दीदी, एक युवक कल टावर पर चढ़ गया था और उसने खुद को घायल कर लिया था, आज आपकी मेहनत रंग लाई और उस युवक को फाइनली उसके बच्चे और पत्नी मिल गए और दोनों खुशी खुशी अब अपने घर गए हैं, क्या है पूरा विषय? कल निक्के और फिर नितिन ज़्यादा भावुक हो रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, जो उनकी पत्नी को फ़ोन कर पुनासा से मैंने बुलवाया। बुलवाने के बाद आज दोनों पति पत्नी को मिलवाया, जिसमें निखिल और फिर नितिन दोनों मिल गए हैं, खुश है। क्या कारण था विवाद की वजह? क्या विवाद का कारण? ये था कि उसकी पत्नी रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन के लिए घर गई थी अपने माता पिता के पास, तो वो अभी तक आ नहीं पाई थी। इस कारण वो परेशान था कि पता नहीं मेरी पत्नी मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, इस कारण वो परेशान हो रहा था। और थाने में आकर उनने हाथ काट लिया था, हाथ काटने के बाद वो टावर पर चढ़ गया था। टावर पर चढ़ने के बाद उसको आश्वासन दिया कि आपकी पत्नी आ रही है, मोबाइल से बात करवाया मैंने, तब उसको शांति हुई। उसके बाद आज वो आया और खुश होकर अच्छे से गया।